नमस्कार साथियों, आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं जेई 25 मैकेनिकल इंटरमीडिएट का जेई का पेपर है और ये पेपर भेजा है हमने इलाहाबाद डिवीजन से। सुमन मैडम ने ये पेपर हमको भेजा है कि सर प्लीज़ सोल्व, इस पेपर को सोल्व कीजिएगा। तो चलिए, अपन तो बैठे ही सोल्व करने के लिए हैं, तो आप सभी के लिए ये पेपर काफ़ी उपयोगी होगा, हम इसको सोल्व करते हैं। तो इस पेपर को सोल्व कर लेते हैं। आप नियम तो सारे जानते ही हैं कि 1/3 नेगेटिव होती है, 100 प्रश्नों से ज़्यादा आपको करना नहीं है, फुल मार्क 100 अंक हैं, और क्या बोलते हैं आपके 1/3 नेगेटिव मार्किंग है और कटिंग वगैरह नहीं होगी, एक बार आंसर देने के बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ये नियम आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट प्रश्नों पर आ जाते हैं, टाइम भी बचेगा अपना और लोगों की एग्ज़ाम भी नज़दीक है, तो उस हिसाब से हम डायरेक्ट प्रश्न पर आ जाते हैं और सोल्व करते हैं इस पेपर को। ये इंटरमीडिएट का पेपर है, 25% कोटा का, तो हम ले लेते हैं इस पेपर को। तो यहाँ जो पहला प्रश्न है साथियों, वो पहला प्रश्न है आपके, व्हाट इज द कलर ऑफ एयर ब्रेक पाइप इज कॉन्वेंशनल टाइप कोच। पारंपरिक प्रकार के कोच में एयर ब्रेक के ब्रेक पाइप का रंग कैसा होता है? तो यहाँ व्याख्या कर देता हूँ, मैं प्रश्न की विस्तृत व्याख्या कर देता हूँ। यहाँ फीड पाइप का जो कलर होता है वो वाइट होता है और ब्रेक पाइप का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है, और इनका जो प्रेशर होता है वो फीड पाइप का 6 kg/cm² होता है और ब्रेक पाइप का जो प्रेशर होता है वो 5 kg/cm² होता है। तो फीड पाइप का जो कलर होता है वो वाइट होता है और ब्रेक पाइप का कलर आपके ग्रीन होता है। तो यहाँ एक चीज़ और है, आपको FP और BP की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। FP का होता है फीड पाइप और BP का होता है ब्रेक पाइप। इस प्रकार से आपका आंसर यहाँ ब्रेक पाइप का ग्रीन हो जाएगा। अच्छा, एक प्रश्न और यहाँ विस्तृत रूप से मैं आपको बता देता हूँ कि जो इनके वो सिरों पर जो कट ऑफ एंगल कोक लगे रहते हैं, तो ये दोनों सिरों पे दो दो रहते हैं, तो एक कोच में 4 हो जाते हैं कट ऑफ एंगल। तो जो फीड पाइप का कलर होता है वही कट ऑफ एंगल का कोक होता है, जो ब्रेक पाइप का कलर होता है वही कट ऑफ एंगल का कोक होता है। तो यहाँ पे फीड पाइप का वाइट होता है, ब्रेक पाइप का ग्रीन होता है, और कई बार प्रेशर पूछ लिया जाता है तो फीड पाइप का 6 kg/cm² होता है और ब्रेक पाइप का 5 kg/cm² होता है। और इनकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है FP की, तो FP का फीड पाइप होता है और ब्रेक पाइप BP का ब्रेक पाइप होता है। तो यहाँ जो आंसर होगा साथियों वो आपके हो जाएगा ग्रीन, और यहाँ फीड पाइप का पूछ लेता तो वाइट हो जाता, तो ऑप्शन आपके आ जाएगा बी, ऑप्शन आ जाएगा बी आ जाएगा आपके। ठीक है साथियों, नेक्स्ट प्रश्न की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में है कि BCNHL वैगनों में किस प्रकार के ब्रेक ब्लॉक का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे BCNHL वैगनों में BMBC यानी के टाइप का प्रयोग, दो प्रकार के होते हैं एल टाइप और के टाइप। तो जहाँ पे एल टाइप यानी जहाँ BMBC आ जाता है, बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर, तो वहाँ के टाइप का
और जहाँ BMBS आ जाता है, बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम, वहाँ L टाइप का। तो वैगन में आपके K टाइप का आएगा, यहाँ BCNHL में K टाइप आएगा, याद रखिएगा K टाइप। आंसर बी। नेक्स्ट है ब्रेक सिलेंडर डाया इन LHB कोच। LHB कोच का जो ब्रेक सिलेंडर होता है उसका डाया कितना होता है? तो उसका डाया होता है आपके 110 इंच, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अपने वैगनों में खाली लोडेड बॉक्स के स्थान पर क्या फिट किया जाता है? व्हाट इज फिटेड इन बॉक्स NHL BMBS बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम वैगन इन प्लेस ऑफ MPT लोडेड बॉक्स। तो यहाँ पे जो फिट किया जाता है लोड सेंसिंग डिवाइस तो की नहीं जाती, APM भी नहीं की जा, APM की जाती है, LHD की जा नहीं जाती, तो वो तो दोनों तो आ ही नहीं सकते क्योंकि LHD यहाँ फिट नहीं की जाती, लोड सेंसिंग डिवाइस तो यहाँ फिट नहीं की जाती, नॉन ऑफ दीज अबाउ इनमें से कोई नहीं, तो ये तो वैसे ही रिजेक्ट है। बहुत अपन कर नहीं सकते क्योंकि ये दोनों यहाँ फिट नहीं किया जाता, दोनों में से एक करी जाती है, तो यहाँ LHD करी नहीं जाती, तो इसका मतलब बचा कौन? APM। तो आपका आंसर APM हो जाएगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट है BVZC ब्रेक वैन के किलोमीटर पर हावर में अधिकतम अनुमेय सीमा है। नेक्स्ट परमिशिबल लिमिट इन किलोमीटर पर हावर ऑफ BVZC ब्रेक वैन। तो यहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए BVZC ब्रेक वैन के किलोमीटर पर हमें अधिकतम सीमा पूछिए, यहाँ पे मैक्सिमम परमिशिबल लिमिट इन किलोमीटर पर हावर ऑफ BVZC ब्रेक वैन। तो यहाँ 130 आएगा नहीं, 90 आएगा नहीं, 75, तो फिर यहाँ मिनिमम हो जाएगा, तो मैक्सिमम पूछा है तो मैक्सिमम आपके 100 हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है ICF कोच में साइड बियरर ब्रॉन्ज पीस की निंदा है, यानी कंडमिंग साइज ऑफ साइड बियरर ब्रॉन्ज पीस इन ICF कोच। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आपका 46 mm तो होता है न्यू साइज, और 43.5 होता है सो पिशू साइज, तो 46 तो यहाँ आ नहीं सकता क्योंकि ये तो नया हो गया, 45 तो खैर इसमें है ही नहीं, 46, 42 और सो पिशू साइज तीन ही ऑप्शन है, 42 के बाद 43.5 सो पिशू है, 46 आपके यहाँ न्यू का है, तो 45 और 48 पॉइंट तो एकदम आउट गया, तो इसमें जो कंडमिंग है न्यू का 46 और कंडमिंग का 42 और 43, हाँ तो आपका आंसर भी सही है, यहाँ पे 42 करेक्ट, यहाँ 42 mm हो जाएगा आपका आंसर बी। नेक्स्ट है LHB कोच में कितने ब्रेक डिस्क होते हैं? तो LHB कोच में आपके जो ब्रेक डिस्क होते हैं वो ब्रेक डिस्क एक बोगी में 4 होते हैं। तो यहाँ पे कोच के लिए पूछा गया है हाउ मैनी ब्रेक डिस्क इन LHB कोच। तो LHB कोच में ब्रेक डिस्क एक बोगी में 4 होते हैं साथियों, तो अगर यहाँ एक बोगी में पूछता तो ऑप्शन आपके बी आ जाता, लेकिन यहाँ पूछा है कोच में, तो 4 और 4 8, तो यहाँ आपका 8 आंसर है सी में, तो यहाँ आपका 8 आंसर है सी में, तो ये आपका सी हो जाएगा यहाँ। ठीक है साथियों, सी हो जाएगा आपका आंसर, हो जाएगा 8। अच्छा क्वेश्चन है, ICF कोच में AR की क्षमता कितनी होती है? तो ICF कोच में AR की जो क्षमता होती है वो मैं बता दूं साथियों, 200 लीटर होती है AR की ऑक्सिलरी रिजर्वायर। ICF कोच में AR की क्षमता 200 लीटर होती है, देख लेते हैं सही है 200 लीटर कहाँ पे, सी ऑप्शन में, तो आपका ये सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है केशनप ट्रॉली का लाइनर किस सामग्री से बना होता है? केशनप ट्रॉली का पूछ रहा है लाइनर किस सामग्री से बना होता है, तो ये आपके हो जाएगा
सिलिकॉन, मैंगनीज, स्टील तो कतई ही नहीं आएगा, ये तो रिजेक्ट हो गया। नॉन ऑफ दू नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इनमें से कंफर्म तीनों में से एक है, तो ये तो रिजेक्ट, डी तो रिजेक्ट। माइल्ड स्टीलियाँ हो नहीं सकता, सिलिकोनिया हो नहीं सकता, तो फिर बचा कौन, स्टेनलेस स्टील। तो यही आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, स्टेनलेस स्टील। देखो साथियों, ऑप्शन के अनुसार भी अपने प्रश्नों को सोल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए अब जब यहाँ तीन दे दिया तो मुझे ये था कि माइल्ड स्टील नहीं हो सकता, सिलिकॉन तो कतई ही नहीं हो सकता, और नॉन ऑफ दी नहीं, तो यहाँ स्टेनलेस स्टील कन्फर्म है, लगभग 100% है, यही आंसर होगा, स्टेनलेस स्टील यानी बी आ जाएगा यहाँ। वैसे साथियों मैं आपको बता दूं, यदि किसी प्रश्न में आपको डाउट है और आपको लगता है कि सर ने ये प्रश्न का उत्तर गलत बताया है, तो आप विद ग्रुप मुझे मेरे मोबाइल नंबर 8502030400 पे आप मुझे विद प्रूफ क्वेश्चन नंबर, उसका प्रूफ और उसका आंसर तीनों लिख के आप मुझे मेरे मोबाइल नंबर पर सेंड कर सकते हैं। मेरे मोबाइल नंबर हैं 8502030400। तो इससे क्या होगा, इससे जो अपने रेल कर्मचारी हैं जो जेई की तैयारी कर रहे हैं, रैंकर कोटे जेई की तैयारी कर रहे हैं, डिपार्टमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैकेनिकल से संबंधित जो तैयारी कर रहे हैं, उनका कन्फ्यूजन दूर होगा। तो मेरे से जैसे अभी इसमें 110 प्रश्न हैं, तो हो सकता है कि 110 प्रश्नों में से 2-4 प्रश्न मेरे गलत भी हो जाएं, तो मेरी गलती की सज़ा किसी को नहीं मिले, इसलिए आप लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो आप ऑडियंस हो, जैसे KBC के खेल में होता है, और जब प्रश्न नहीं आता है तो वो ऑडियंस के बीच फेंक दिया जाता है वो प्रश्न, ऑडियंस फिर उस पर डिसीजन करती है उस प्रश्न पर, तो वैसे ही आप लोग मेरे लिए ऑडियंस हो। तो आपका काम यह है कि प्रश्न पत्र को आप सावधानी से देखें, पढ़ें, और यदि आपको लगता है कि कोई प्रश्न गलत मैंने बता दिया है तो उसका आप विथ प्रूफ, आप कमेंट्स नहीं करें, आप विथ प्रूफ उसका प्रूफ होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ सवाल लाखों रेल कर्मचारियों का है, तो आप विथ प्रूफ आप मुझे सेंड कीजिए, मैं उस प्रश्न में करेक्शन करूँगा और सभी रेल साथियों को बताऊँगा कि इसका राइट उत्तर क्या है। वैसे मैं भी उस प्रूफ के आधार पर डिसीजन नहीं लूँगा, हमारी 8-10 दोस्तों की कमेटी है, उस प्रश्न को जैसे ही आपका प्रश्न का जो विथ प्रूफ आएगा उस प्रूफ को लेके मैं उस प्रश्न को कमेटी के अंतर्गत डालूंगा, और कमेटी जो हमारे पास मटेरियल है और जो कमेटी के पास मटेरियल है उस प्रश्न पे चेक किया जाएगा, उस प्रश्न का डिसीजन लिया जाएगा, मैं अकेला उस प्रश्न पे डिसीजन नहीं लूँगा। तो अब जैसे वेलफेयर का पेपर मैंने अभी सोल्व कराया है आपके, ईस्टर्न रेलवे का स्टाफ एंड वेलफेयर का पेपर सोल्व कराया, तो उसमें कुछ प्रश्नों पे विथ प्रूफ ऑब्जेक्शन आए हैं, तो वो प्रश्न मैंने कमेटी के समक्ष रख दिया है, और 4-5 प्रश्न हैं, तो पूरे पेपर में 110 प्रश्नों में 4-5 प्रश्न गलती होना कोई बड़ी बात नहीं है, होता है, लेकिन फिर भी फाइनल आंसर की रेलवे की मानी जाती है साथियों, तो फाइनल आंसर की जो रेलवे बनाता है उसी को माना जाता है, अपना अपने प्रश्न के उत्तर पे दावा नहीं कर सकते हैं कि यही सही होगा, रेलवे जो अपनी आंसर की जारी करती है उसी को फाइनल माना जाता है, लेकिन इसमें 2-4 प्रश्नों का अंतर आना स्वाभाविक है, वो आ सकता है, ऐसा नहीं है कि मैं 110 के 10 प्रश्न ही आपको करेक्ट बता दूंगा, उसमें 2-4 गलती भी हो सकती है, और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जहाँ तक हो सके मैं आपको सही बताऊं, लेकिन अगर 110 प्रश्नों के सेट में 2-4 प्रश्न गलत आ जाते हैं तो आप मुझे विथ प्रूफ सेंड कर सकते हैं, उन प्रश्नों को मैं विथ प्रूफ के साथ जो हमारी 8-10 दोस्तों की कमेटी है उनके समक्ष रखता हूं, फिर जो वो कमेटी जो उस प्रश्न पे जो डिसीजन लेती है उस प्रश्न पे वो उत्तर आपको बताया जाएगा करेक्शन वीडियो में। हम जैसे मान लीजिए किसी, अब जैसे वेलफेयर का था, अभी लेटेस्ट हमने वेलफेयर का अपलोड किया है, तो
तो उसमें चार पांच प्रश्नों का डिस्पुट आया है, तो हम उसका करेक्शन वीडियो बनाएंगे चार पांच प्रश्नों का। वो मैंने सभी प्रश्न कमेटी को दे दिए हैं, चार पांच प्रश्न हैं 110 में से, वो मैंने कल रात को कमेटी को भेज दिए हैं। यानी कि मैं मेरे ऊपर भी नहीं लेता हूँ, थर्ड एम्पायर है हमारे पास, और वो मैं अकेला डिसीजन नहीं लेता हूँ। उसमें 8-10 दोस्त हैं जो इस तरह के, वो इंटेलिजेंट हैं और इस तरह की जानकारी रखते हैं और उनको नॉलेज हैं, वो अपने एसटीसी में पढ़ाते हैं, पढ़ाने का काम करते हैं। तो मैं ये प्रश्न हम सभी साथी दोस्तों के समक्ष, उनके समक्ष रख देता हूँ उस प्रश्न को, तो वो लोग उसका जो फाइनल डिसीजन लेते हैं वही उत्तर मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि मेरे एक प्रश्न से आप 60% से 59 पे आ सकते हैं, यानी कि एग्ज़ाम से बाहर हो सकते हैं, और मेरे एक प्रश्न गलत उत्तर बताने से आप लोग मेरिट से वंचित रह सकते हैं। तो मेरी गलती की सज़ा आपको नहीं मिलनी चाहिए, तो आपको भी ये कोशिश करना चाहिए। आप लोग मेरे लिए ऑडियंस हैं, तो मैं जैसे अगर किसी प्रश्न का बोल देता हूँ कि आप लोग देख लीजिएगा, या जो आपको लगता है कि ये प्रश्न गलत है, तो आप मुझे वो प्रश्न विद प्रूफ सेंड कर सकते हैं, मैं कमेटी के समक्ष रखूँगा। जो राइट आंसर थर्ड एम्पायर से जो राइट आंसर आएगा, वो थर्ड एम्पायर मानता हूँ मैं मेरे दोस्तों को, वहाँ से जो आपके पास जो आंसर आएगा वो आप लोगों के लिए मैं आउट करूँगा करेक्शन वीडियो में। तो धन्यवाद साथियों, मैं चलते हैं अगले 11 नंबर के प्रश्न पर। क्या है, एक गोल कंट्रोल रोड को घुमाने पर कंट्रोल रोड हेड द्वारा तय की गई दूरी है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा 1 mm तो कतई नहीं हो सकता, ये तो है ही नहीं, और 6 mm भी नहीं हो सकता। यहाँ 4 और 2 में से देखते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कंट्रोल रोड हेड ऑन मूविंग 1 round कंट्रोल रोड। एक गोल कंट्रोल रोड को घुमाने पर कंट्रोल रोड हेड द्वारा तय की गई दूरी है, तो इसमें आपका आ जाएगा 6 आएगा नहीं, 1 आएगा नहीं, यहाँ पे 2 mm आपका राइट, हाँ दो ही रहेगा, 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। सी आप इसमें आंसर ले सकते हैं, यही होगा। नेक्स्ट है, ट्यूब कपलिंग फिटेड इन त्वरित युग्मन में फिट है, तो वो हो जाएगा आपके BCN आएगा नहीं, बॉक्स एंड वैगन आएगा नहीं, ICF कोच को हम ले नहीं सकते, ब्रेक वैन आ जाएगा, क्योंकि क्यूब कपलिंग फिटेड ब्रेक वैन में की जाती है, तो ये ब्रेक वैन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ B आ जाएगा आपका। नेक्स्ट है साथियों, हाउ मैनी पुश रोड फिटेड इन बॉक्स NHL MBS वैगन, तो इसमें आपका आ जाएगा बॉक्स NHL है, MBS वैगन में कितने पुश रोड लगे होते हैं, तो यहाँ जो पुश रोड लगे हैं वो हाउ मैनी पुश रोड फिटेड इन बॉक्स NBS वैगन, वैगन में कितने पुश रोड लगे हैं, तो यहाँ इंच कैसे दे दिया साथियों, 10 आंसर इसका राइट है। आप इस प्रश्न को देखिएगा, 10 है ये, 10 तो राइट आंसर है, बी तो एकदम करेक्ट है, लेकिन ये इंच कैसे दे दिया, वैसे 10 आएगा इसमें, ये कन्फर्म है, चलिए ठीक है, 13 का बी। 14 देखिए, बॉक्स NHS वैगन में प्रयुक्त इस नंबर स्प्रिंग के आकार mm में निंदा करें, यानी इंग्लिश देखना पड़ेगा इसका, हिंदी मुझे अटपटी लग रही है यहाँ, तो जब भी आपको हिंदी अटपटी लगे, हिंदी में आपके समझ में नहीं आ रहा हो, मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है यहाँ हिंदी में, तो मैं इसकी इंग्लिश देखता हूँ क्या है, कंडमिंग साइज इन mm, ठीक है साहब, इन mm में, ठीक है, mm में पूछ रहा है कंडमिंग साइज, ओ इस नंबर स्प्रिंग ही, अच्छा, वेरी गुड, इस नंबर स्प्रिंग की यूज्ड, अच्छा बॉक्स NH में कौन से इस नंबर स्प्रिंग की यूज की जाती है, यानी कि उसकी कंडमिंग साइज पूछ रहा है ये इस नंबर स्प्रिंग की, तो वो होती है आपके 247 होती नहीं है, नहीं 247 नहीं होती, 228 भी नहीं होती, 278 या 227, इन दोनों में से ऐसा आती हूँ, 79 तो ज़्यादा हो जाएगा, हाँ 79 2 7 8 होती है, कैट कर यही है, 2 2 7 8 साथियों याद रखिएगा, सी ऑप्शन।
2 7 8 है। नेक्स्ट है मैक्सिमम लिमिट इन एमएम ऑफ टॉप रेडियस ऑफ बोर्ड गेज व्हील आफ्टर दैट इट इज कॉल्ड शार्प फ्लेंज। तो ये कह रहा है कि ब्रॉड गेज व्हील के शीर्ष त्रिज्या की न्यूनतम सीमा एमएम है, उसके बाद इसके तृक निकला हुआ किनारा कहा जाता है। अरे यार ये भी हिंदी अटपटी लिखी हुई है, अंग्रेजी देखते हैं। मिनिमम लिमिट इन एमएम, ठीक है, कम से कम लिमिट एमएम ऑफ टॉप रेडियस ऑफ ब्रॉड गेज व्हील, ठीक है, ब्रॉड गेज व्हील की टॉप रेडियस, अच्छा अच्छा ठीक है, टॉप रेडियस आफ्टर दैट इज कॉल्ड शार्प फ्लेंज। अच्छा अच्छा शार्प फ्लेंज, शार्प फ्लेंज के लिए पूछा है साथियों, तो शार्प फ्लेंज के लिए यहाँ हो जाएगा आपके 5 mm हो जाएगा सार। यहाँ पूछा है न्यूनतम, मिनिमम पूछा है मिनिमम न्यूनतम सीमा तो 5 हो जाएगी। और ये प्रश्न है 16, प्रति व्यक्ति हो जाएगा आपके, प्रति व्यक्ति प्रथम श्रेणी पास पर अधिकतम वजन, हाँ प्रथम व्यक्ति प्रथम श्रेणी पर। देखिए यहाँ मैं 2-3 चीज़ें विस्तृत व्याख्या कर दूँ आपकी। यहाँ प्रश्न है जो प्रति व्यक्ति प्रति श्रेणी पास पर अधिकतम वजन है, तो यहाँ है आपके, यहाँ 4 वैरायटी होती है साथियों, प्रथम श्रेणी ए, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी ए और द्वितीय श्रेणी। तो यहाँ पे जो प्रथम श्रेणी पूछा है तो यहाँ अधिकतम वजन किलो आपके 70 हो जाएगा और बच्चे के लिए 35 हो जाएगा, बच्चे के लिए 35 हो जाएगा। तो ठीक है साथियों, नेक्स्ट चलते हैं अपन। नेक्स्ट है हाउ मैनी ब्रेक सिलेंडर इन बॉक्स एंड वैगन। तो बॉक्स वैगन में सिलेंडर, ब्रेक सिलेंडर इन बॉक्स वैगन, तो ये हो जाएगा 1 आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट है डाया ऑफ ब्रेक सिलेंडर ऑफ बॉक्स एच एन वैगन, तो ये हो जाएगा आपके 255 हो जाएगा साथियों, ये सी आंसर आपके करेक्ट हो जाएगा, डाया ऑफ ब्रेक सिलेंडर ऑफ बॉक्स एन एच एल वैगन। साथियों मेरी एक एडवाइज है आपको कि जब भी आपको हिंदी, कई बार क्या होती है काफ़ी हार्ड होती है हिंदी, हिंदी में समझ में नहीं पाते हम, तो आपको इंग्लिश वर्जन पढ़ना चाहिए और इंग्लिश वर्जन के हिसाब से ही आपको उत्तर देना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश के हिसाब से ही आपके, इंग्लिश के हिसाब से ही, इंग्लिश के हिसाब से आपको माना जाता है। अगर हिंदी में प्रश्न गलत भी हो सकता है एग्जाम में, तो आपको इंग्लिश, अगर प्रश्न समझ में नहीं आ रहा आपके हिंदी में या उत्तर समझ में नहीं आ रहा, तो आपको इंग्लिश वर्जन देखना चाहिए। अब आप RRB RRC पास करके आएँ तो इतनी सी इंग्लिश तो जानते ही हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि आप अंग्रेजी में कमज़ोर हैं, कमज़ोर सभी होते हैं अंग्रेजी में, क्योंकि जो पहले के सरकारी विद्यालयों में पढ़े हुए हैं वहाँ कक्षा 6 से अंग्रेजी चालू हुई थी। जब मैं पढ़ता था तो उस समय अंग्रेजी कक्षा 6 से चालू हुई थी और कक्षा 6 के अंतर्गत मुझे अंग्रेजी नहीं आती थी, मुझे सिर्फ ओनली एक ही स्पेलिंग आती थी LOOK के, लुक लुक मानी देखो बस, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं आती थी। तो मैं परीक्षा में कैसे पास करता था भगवान जाने, मैं कैसे पास कर लेता था, मुझे 9वीं से जाके कुछ अंग्रेजी समझ में आई थी। तो मुझे जब मैं कक्षा 6 में पढ़ता था तो मुझे कुछ भी अंग्रेजी नहीं आती थी, मैं एक ही स्पेलिंग जानता था पूरी किताब में, वो होती थी LOOK, लुक 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 मानी देखो। तो कोई बात नहीं, लेकिन बाद में मैंने अपने आप में सुधार कर लिया और चलो इतनी हार्ड इंग्लिश नहीं आती है, पढ़ लेना चाहिए आपको। प्रश्न नंबर 20 है आपके, प्रश्न नंबर जो 20 है वो है आपके, केशनव ट्रॉली में क्रॉस ट्रेमलिंग मापन होता है। अब यहाँ क्या है साथियों, मेरे तो फिर समझ में नहीं आ रही, अंग्रेजी पढ़ते हैं, थिकनेस ऑफ फ्लोर पेच इन बॉक्स एंड वैगन। तो यहाँ केशनव ट्रॉली में क्रॉस ट्रेमलिंग मापन होता है, तो 3018 प्लस माइनस 5 हो जाएगा साथियों इसमें, ये ठीक है उत्तर, सी आंसर यहाँ आ जाएगा, ट्रेमलिंग मापन होता है जो ये होता है।
बॉक्स एंड वैगन में फर्स्ट पेज की मोटाई होती है, तो ये आपके 6 mm आ जाएगी, 6 mm होती है, याद रखिएगा साथियों। ईजी है बॉक्स वैगन की जो फर्स्ट मोटाई होती है, जो वो लगाते हैं ये जो 6 mm की होती है। LHB में एक पहिए पर कितने ब्रेक डिस्क होते हैं, तो ये आपके 2 हो जाएंगे। अच्छा प्रश्न है, बार बार रिपीट हो रहा है LHB का। LHB कोचों में किस प्रकार के रोलर बियरिंग का उपयोग करते हैं, तो ये CTRB है, कार्ट्रेज टेपर रोलर बियरिंग है। नेक्स्ट है, LHB कोचों में व्हील फ्लेंज की मोटाई कितनी है, वेरी गुड, अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ जो व्हील फ्लेंज की मोटाई है वो आपकी हो जाएगी 24 mm, तो नहीं है यार, ये तो गलत है, 26.5 भी गलत है, 26 mm भी गलत है, अरे ये तो पूरे आंसर गलत हैं साथियों, ये तो चारों ही प्रश्न गलत है, चारों ही प्रश्न गलत है। 24 भी नहीं होगी, 26.5 भी नहीं होगी, 26 mm भी नहीं होगी, 25 mm भी नहीं होगी, ये तो चारों प्रश्न गलत है। आप इसमें ले सकते हैं, नहीं 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 कोई नहीं ले सकते इसमें आप, इसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो है 29, लिख कैसे लिखूँ यार, 29 ये लिख लिया। इसका राइट आंसर आपका आएगा, ऑप्शन में है नहीं है, इसका राइट आंसर आएगा 29.4 mm, 29.4 mm आएगा, जो कि ऑप्शन किसी में नहीं है। ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में छोड़ दें, ठीक है, इसका 29.4 आएगा ऑप्शन। LHB में ब्रेक डिस्क की मोटाई कितनी होती है, तो ब्रेक डिस्क की मोटाई 110 mm होती है, जो आपके बी ऑप्शन में। नेक्स्ट प्रश्न है, LHB में ब्रेक डिस्क का व्यास कितना होता है, तो वो आपके 640 होता है, ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, LHB कोल के व्हील एक्सल का व्यास कितना होता है, तो LHB कोच के व्हील एक्सल का व्यास होता है आपके 170 mm हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है, LHB कोच में CR टैंक की क्षमता कितनी है, तो ये कंफ्यूज मत ही होएगा, ये चाहे गुड्स हो, चाहे ICF हो, चाहे LHB हो, इसका 6 लीटर ही आएगा। अब ये जो राजीव महाजन की बुक है उसमें 9 लीटर दे रखा है, तो मैं जब भी तो कहता हूँ साथियों, आप कोई बुक से पढ़ते हैं या कहीं से भी पढ़ते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आंसर आपका सही हो, क्योंकि आप भी पढ़ते हैं तो किसी बुक से पढ़ रहे होंगे, या किसी के भेजे हुए नोट से पढ़ रहे होंगे, या आपने कहीं से भी आपके पास जो मटेरियल है उससे पढ़ रहे होंगे। तो ये जो पैसेंजर कोच का है 9 लीटर दे रखा है, राजीव महाजन पुस्तक है, और मेरे पास भी है राजीव महाजन की, तो मैंने भी पढ़ा था, उसमें 9 लीटर दे रखा है। तो मैं आपको बता दूँ, इसमें कन्फ्यूज नहीं होने वाली बात है, 9 लीटर इसका नहीं होता है, आप कंफ्यूज मत होइए कि इसका 6 लीटर ही होता है। तो जब भी तो मैं कहता हूँ आप विद प्रूफ भेजिए, और जरूरी नहीं कि जो आप प्रूफ भेज रहे हैं वो भी उत्तर आपका सही हो। जैसे मान लीजिए अब ये 9 लीटर दे रखा है, आपके ICF RCF का 9 लीटर दे रखा है, पैसेंजर कोचों में राजीव महाजन में, आपने राजीव महाजन बुक पढ़ ली और वहाँ से प्रूफ उठा के डाल दिया कि सर 9 लीटर होता है, आप 6 लीटर गलत बता रहे हैं, तो अब मैं आपके 9 लीटर के आधार पर चेंज कर दूंगा, तो कई रेल कर्मचारियों के गलत हो जाएगा प्रश्न। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आप प्रूफ भेज रहे हैं वो आपका प्रूफ सही हो, ये ज़रूरी नहीं है, तभी तो मैं उस प्रश्न को कमेटी में डालता हूँ। और कमेटी ऐसे लोगों की है जो या तो STC रेलवे ट्रेनिंग सेंटर में पढ़ा रहे हैं या STC में पढ़ा रहे हैं, तो ऐसे लोगों के बीच मैं वो प्रश्न समक्ष रखता हूँ। उस रखने का कारण यही है कि ज़रूरी नहीं कि आप जिस PDF से पढ़ रहे हैं, जिस प्रिंटेड नोट से पढ़ रहे हैं, जिस बुक से पढ़ रहे हैं, या किसी ऐसे नोट से पढ़ रहे हैं, तो वहाँ आपने पढ़ लिया और वो उसका सेंड प्रूफ आपने कर दिया और वो 100% आपका सही हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं। एक बार एक साथी ने मेरे को भेजा था कि सर आपने ICF RCF का 6 लीटर गलत बताया है, वैसे गुड्स में भी 6 होता है और कोचिंग में भी 6 लीटर होता है। तो जब उसने प्रूफ मेरे को भेजा, वो राजीव महाजन की किताब का भेजा, जो कि उसमें 9 लीटर था, तो अब उसकी तो गलती बेचारे की है ही नहीं, क्योंकि उसने 9 लीटर पढ़ा, इसलिए 9 लीटर भेज दिया और प्रूफ भी मेरे को अटैच कर दिया। लेकिन जब मैंने उस पर्सन को कमेटी में डाला, तो वहाँ से जो थर्ड एम्पायर का जो डिसीजन आया वो आया 6 लीटर। तो इसलिए
ये जरूरी नहीं है कि आप जहाँ से पढ़ रहे हैं, जिस बुक से पढ़ रहे हैं, जिस नोट से पढ़ रहे हैं, वो आंसर आपका करेक्ट ही हो जाएगा, ये जरूरी नहीं है। लेकिन फिर भी आप भेजिए और उस पर्सन को हम कमेटी में डालेंगे, और कमेटी का मतलब है थर्ड एम्पायर। थर्ड एम्पायर से जो उत्तर आएगा वो आपके ऊपर लागू होगा, उसका रियल उत्तर। और आप ऑडियंस हैं हमारे लिए, आप तो आप भेजिए। यदि आप किसी पर्सन से संतुष्ट नहीं है तो आप विद प्रूफ भेज सकते हैं मुझे, व्हाट्सएप नंबर मैंने बता दिया है आपको। नेक्स्ट पर्सन ले लेते हैं। LHB कोच में मेन BP और FP पाइप के बोर साइज का ले लेते हैं, तो ये कितना होता है? तो ये 25 mm होता है साथियों, मैं बता दूँ आपको, ये 25 mm का होता है और गुड्स में 32 mm का होता है। LHB कोच में BC लाइन शाखा का पाइप व्यास कितना होता है? तो वो होता है आपके 18 mm होता है। ब्रांच पाइप का पूछ रहा है इसमें, तो अंग्रेजी में क्या बोल रहा है, डायामीटर ऑफ ब्रेक इंडिकेटर पाइप इन LHB कोच, तो ये हो जाएगा आपके, यहाँ ले लेते हैं इसको, डायामीटर ऑफ ब्रेक इंडिकेटर पाइप, ब्रेक इंडिकेटर का 10 mm होता है साथियों, तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो 10 mm हो जाएगा। तो चलिए एक दो प्रश्न और ले लेते हैं। जब ब्रेक इंडिकेटर LHB कोच में लाल दिखाता है, तो लाल दिखाने का मतलब है कि ब्रेक अप्लाइड हो गया, बी आंसर। जब LHB कोच में ब्रेक इंडिकेटर हरा दिखाता है, तो इसका मतलब रिलीज हो गया, तो ये आपके आंसर हो जाएगा। और कपलिंग ऑपरेशन के दौरान वाहन की गति होनी चाहिए, तो कपलिंग के दौरान 2-3 किलोमीटर ही होनी चाहिए कपलिंग ऑपरेशन के दौरान। कपलिंग ऑपरेशन के दौरान कोच होने चाहिए, कपलिंग ऑपरेशन के दौरान कोच होने चाहिए, ऑन ये स्ट्रेक सीधे होने चाहिए भाई, ऑन ये स्ट्रेक होने चाहिए, जभी तो कपलिंग सही होगी, कपलिंग ऑपरेशन जभी तो सही होगा। दो कोच निश्चित रूप से युग्मित होते हैं, अंग्रेजी पढ़ते हैं इसकी यार समझ में नहीं आ रहा, ये टू कोचेज विल डिफाइंटली कपल्ड इफ यू है। अच्छा, राइट, तो इसमें आपका हो जाएगा, देखते हैं क्या क्या है ऑप्शन में। ऑप्शन में है द रोटरी लॉक कम्प्लीटली डाउन, हाँ ठीक है, इन्वर्टेड यू शुड बी क्लियर, ये भी ठीक है। अब कपलिंग हैंडल इन, ये नहीं होगा, अनकपलिंग का नहीं होगा, तो इसका मतलब बहुत ही एंड बी हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा साथियों, सी आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है LHB कपलर को गेज की सहायता से जांचना चाहिए, तो वो आपके हर 3 महीने में एक बार जांचना चाहिए। और जो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। यहाँ पूछ रहा है द LHB कोच जागेब गेज टेस्ट इज परफॉर्म व्हेन नकलित, यानी कि LHB कोच में जोगोब टेस्ट तब किया जाता है जब ये पोर, ये तो कह रही है, ये मेरी समझ में नहीं आ रही है हिंदी, मैं तो अंग्रेजी पढ़ लेता हूँ। द LHB कोच जोगोब टेस्ट इज परफॉर्म व्हेन नकलिना, यानी कि किस कंडीशन में नकल, किस कंडीशन में हो जब जोगोब टेस्ट किया जाता है, तो ये आपके आ जाएगा क्लोज पोजिशन, ये याद रखिएगा साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये कई बार रिपीट हुआ है। और ये देख लेते हैं 38 में क्या है, LHB कोच में प्राइमर डैम्पर्स देने का क्या उद्देश्य है, तो जो डैम्पर्स होते हैं वो आपके एक बोगी डैम्पर्स, अच्छा, डैम्पर्स होते हैं, तो ये डैम्पर्स का क्या मतलब है, यहाँ देख लेते हैं, टू मिनिमाइज प्राइमरी डैम्पिंग, ये तो देखते हैं, टू सपोर्ट प्राइमरी स्प्रिंग, टू इम्प्रूव प्राइमरी सस्पेंशन, आलोफा वो तो नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, ये आ जाएगा टू इम्प्रूव प्राइमरी सस्पेंशन, आंसर आपका सी हो जाएगा यहाँ। चलिए साथियों नेक्स्ट है, व्हाट इज द पर्पज टू प्रोवाइड या डैम्पर इन LHB कोचेज, तो यहाँ पे जो आ जाएगा आपका, यहाँ पे जो आ जाएगा आपका 39 में, व्हाट इज द पर्पज टू प्रोवाइडेड या डैम्पर इन LHB कोचेज,
यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा साथियों, देख लेते हैं क्या आएगा। तो LHB कोच में या डैम्पर्स लगाने का उद्देश्य है, तो वो आपका आ जाएगा मेरे हिसाब से टू मिनिमाइज स्किटिंग एक्शन ऑफ कोच टू इम्प्रूव राइडिंग इंडेक्स। ऑल ऑफ द वो तो नहीं होगा, राइड इंडेक्स भी नहीं होगा, टू मिनिमाइज स्केटिंग एक्शन ऑफ कोच भी नहीं होगा, टू मिनिमाइज रोलिंग मोशन हो जाएगा। ठीक है साथियों, इसमें आप कर सकते हैं ए। अरे कर्सर कहाँ भाग गया यार, कर्सर गायब हो जाता है, मत भाग यार, ये ले, ए आंसर हो जाएगा इसका साथियों, ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट है जो 40 है, इस वीडियो में अपन ये लास्ट प्रश्न ले रहे हैं, इस पेपर को हम पार्ट तीन में करेंगे साथियों, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री। LHB में गैंगवे ब्रिज माउंटिंग के लिए प्रदान किया गया है, तो LHB में गैंगवे, अभी हिंदी मेरे समझ में नहीं आ रही, चलो इंग्लिश पढ़ते हैं। इन LHB द गैंगवे ब्रिज माउंटिंग प्रोवाइडेड फॉर, तो ये सही है, इसमें हो जाएगा आपका टू प्रोवाइड ये ब्रिज बिटवीन टू कोचेज, राइट, यही हो जाएगा। आगे का देख लेते हैं, टू प्रोटेक्ट वेस्टिबुल, नहीं वेस्टिबुल बहुत, ये भी नहीं होगा, नॉन ऑफिस, यही सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा आपका, इसमें ये सही हो जाएगा। तो ये हो गए साथियों 40%, और इसको हम पार्ट तीन में करेंगे, यानी कि पार्ट फर्स्ट, पार्ट टू, पार्ट थर्डी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद। नेक्स्ट अपन 41 नंबर से लेंगे नेक्स्ट प्रश्न, तब तक के लिए दीजिए आज्ञा, नमस्कार।